जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। यदि आपका भी सपना है पॉलिटेक्निक के बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाना, तो आज ही डिस्क्रिप्शन या फिर प्ले स्टोर से स्टडी पावर पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने सेमेस्टर और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आपके कोर्स हैं उसमें ज्वाइन हो जाइए, ताकि परीक्षा से पहले आपकी विशेष और बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा सके। और यहाँ पे आपको वीडियोस के साथ साथ बुक पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक्स, मॉडल पेपर, इतना ही नहीं आपको वीकली टेस्ट के, यानी जो आपको एक वीक में पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट, दिस अंकित। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट यूपी से स्टडी कर रहे हैं और उनको पता होगा पिछले दिनों से लगातार अपडेट आ रही है कि उनको यूपी गवर्नमेंट फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट देगी सभी स्टूडेंट को। लक्ष्य है 1 करोड़ स्टूडेंट को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का। वहीं पे एक आज ऑफिशियल अपडेट निकल के आ रही है amarujwala.com से, बिल्कुल सही न्यूज़ है। आज से ठीक 5 दिन बाद यानी 25 दिसंबर 2021 से आपको टैबलेट और स्मार्टफोन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले 1 लाख स्टूडेंट को दिया जाएगा, उसमें भी सबसे पहले किसको स्मार्टफोन दिया जाएगा, किसको टैबलेट दिया जाएगा, ये सब वीडियो में बात कर चुके हैं पिछले। इस वाले में कितना क्या मिलेगा ये सब बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट छोड़ के जाओगे हाथ से टैबलेट जा सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए। और मैं आपको बताऊंगा कि डिप्लोमा का कब मिलने वाला है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। और ये जो अपडेट आपके सामने दिख रही है इससे आपका कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, आप देख सकते हैं। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि 1 लाख युवाओं को 25 दिसंबर 2021 को मोबाइल और टैबलेट देंगी योगी। आप देख सकते हैं लखनऊ के अटल बिहारी, ठीक है, इकाना स्टेडियम में मिलेगा तोहफा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे उजाला ब्यूरो से अपडेट आ रही है, लखनऊ सीधे लिखा भी गया है, आज के न्यूज़पेपर में आई है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कहा जा रहा प्रदेश के 1 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर को फ्री मोबाइल फोन व टैबलेट देंगे। इसके लिए राजधानी में भारत रत्न, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आप देख सकते हैं आगे कहा जा रहा है कि सीएम योगी ने 1 करोड़ युवाओं को मोबाइल व टैबलेट फोन स्मार्टफोन देने का क्या किया है, घोषणा की है। पहले चरण में अगर हम बात करें तो 25 तारीख को 60,000 मोबाइल व 40,000 स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में जो 1 लाख पहले बार में मिलने वाला है, इसमें एक जगह से नहीं कि मतलब लखनऊ के बच्चों को सिर्फ दे दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा, सभी जिले के लगभग काफ़ी स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और यहाँ पर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसी दिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है। पहले चरण में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं किसको मिलेगा, MA, BA, BSc, ITI, MBBS, MD, BTEC, MTEC, PhD, ठीक है, MSME और स्किल डेवलपमेंट आदि के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को पहले नहीं मिलेगा, पहले फाइनल ईयर वालों, जो सभी कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो फाइनल ईयर वालों को पहले चरण में दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पास होने वाले हैं जल्द से जल्द, ठीक है। आगे देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के, ठीक है, जो सचिव हैं विनीत कुमार ने बताया कि डीजी शक्ति पोर्टल पर 38 लाख से अधिक युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अभी भी छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यदि आपने नहीं कराया तो जल्द से जल्द जाइए, आप लोग करा लीजिए फटाफट से। आप देख सकते हैं सीधे सीधे यही दिखाया गया है कि 60,000 को स्मार्टफोन, 40,000 को टैबलेट, अब तक 38 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, जो कि देख सकते हैं अभी 62% लोग तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए एक प्रकार से देखा जाए। आगे देख सकते हैं कहा जा रहा है कि 18 लाख से अधिक मोबाइल टैबलेट की आपूर्ति जल्द की जाएगी। पहले चरण में अगर हम बात करें 2035 करोड़ रुपए का ऑर्डर जारी किया जाएगा, इसमें 10,740 रुपए की मोबाइल होगी, ठीक है, और वहीं पे 10.5 लाख मोबाइल फोन किए जाएंगे। दूसरी बात रही कि 12,606 रुपए की लागत से 7 लाख, ठीक है, 7,20,000 टैबलेट आदि किए जाएंगे। तो इस तरीके की अपडेट रही है। आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें विशेष लिखी गई हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को मनाए जाने कर इसी शुभ अवसर पर, ठीक है सुशासन दिवस पर, और यहाँ आप देख सकते हैं निःशुल्क मोबाइल फोन और टैबलेट वितरण किए जाएंगे अरविंद कुमार, जो कि यहाँ पर औद्योगिक विकास से हैं, ठीक है, ये सब बातें बताई जा रही हैं। तो ये देखिए ऑफिशियली अपडेट रही है, कोई मजाकबाजी नहीं हो रही है, अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ 25 दिसंबर 2021 को उस दिन टैबलेट और स्मार्टफोन मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। जैसे ही कोई इसके रिलेटेड नई अपडेट, नई चीज़ें रहेंगी, हम तुरंत आपको बताएंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। और
बाकी यही कहना चाहेंगे कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएं, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि इसी तरीके से अपडेट आपको इन फ्यूचर भी मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।